डायना वॉल स्ट्रीट का मेथड अच्छा है, तकाशी अमानो का स्टाइल करेक्ट है, या डायोरामा स्टाइल जो नया आया है वो करेक्ट है क्या? आज के इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे हॉबीज जो है मेरे से मैसेज में पूछते हैं कि सर डायना वॉल स्ट्रीट आपने किया है क्या, आपने ट्राई किया है क्या, वो बताओ, डायोरामा क्या है या तकाशी अमानो स्टाइल क्या है, ये सब क्या है? अगर इसको ठीक से सोचा जाए, समझा जाए, हर एक पीढ़ी में या दशक में टाइम टू टाइम एवोल्यूशन हुआ है, एक्वास्केपिंग में, एक्वेरियम कीपिंग में, प्लांटेड एक्वेरियम रखने में, ये सब अपग्रेड्स बोलो, जैसे आपके फोन में है या सॉफ्टवेयर में होता है अपग्रेड्स। तो हम आज क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो एवोल्यूशन देखेंगे कि क्या हुआ है। यहां पे मैं कुछ आइडियाज भी बताऊंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, फोटोज ट्राई करता हूं उसको मैचअप करने के लिए। और ये जितना भी आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अभी इतने सालों में जो एवोल्यूशन मैंने देखा है उसके हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने जो पढ़ा है मैं आपको समझाता हूं। इसमें प्लस माइनस कुछ हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्कशन में या कमेंट्स में वो चेक कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो पहले के जमाने में, बहुत पहले, तभी प्लांटेड एक्वेरियम का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं था। मिलते होंगे कुछ एक्नोडोरस वगैरह वगैरह, और लोग उसमें टैंक में डाल देते थे और वो बढ़ता था नहीं बढ़ता था उसका कोई डिटेल नहीं है मेरे पास। बट ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो जमाने में ज्यादातर एक्वेरियम्स कैसे क्लीन होते थे, जहां पे पूरा सैंड को निकालो, सब कुछ निकालो, सब घिसो, वापस डालो, ये होता था एक्वेरियम मेंटेनेंस, ठीक है। बहुत लोगों ने किया भी है, आज भी शायद करते हैं, ज्यादातर फिश ओनली टैंक्स में सब कुछ निकाल के वॉश करके करते हैं, ये जरूरी भी है। तब जाके जो डायना वॉल स्ट्रीट है उन्होंने एक मेथड समझाया, जहां पे पहला चीज तो पूरा मट्टी वट्टी निकाल के वॉश करने का जरूरत नहीं था, प्लांटिंग हेविली होना चाहिए। उनका ये बिलीफ था कि प्लांट्स पानी में से और फिश जो वेस्ट होता है उसमें से CO2 लेगा और वो ग्रो करेगा, और उसी में जो डेड फिश या डेड प्लांट्स का जो नाइट्रेट है वो फर्टिलाइजर बस था। उनका यह भी कहना था कि लाइटिंग जो है, अगर आपने कुछ एक 2 to 3 watts पर गैलन, 1 gallon इज 3.3 liters, ठीक है, हम लोग इंडिया में गैलन सिस्टम नहीं यूज करते, मेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं, 3.3 liters, 3 liter रख लो, तो मतलब 3 लीटर के लिए
2 to 3 watts अगर लाइटिंग हो और CO2 का प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज उनका बिलीफ था कि पानी में ही मिल जाता है, या फिश जो CO2 छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेके वो बस था, और जो फर्टिलाइजर नाइट्रेट्स वगैरह जो डेड एंड डी के प्लांट्स या फिश वेस्ट में मिल जाता था। अब आता है उनके मेथड में सॉइल। उनका बिलीफ था लाल मिट्टी लैटराइट, ये साफ वाला, ठीक है, आपका गार्डन वाला नहीं, जो 10 फीट अगर हम खोदते बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के लिए नीचे जो मिलता है ना वो लैटराइट, लाल मिट्टी या डर्ट बोलते हैं इंग्लिश वाले वीडियोस में, डर्टेड टैंक बोलते हैं, डर्ट बोलते हैं, वो एक लेयर सॉइल का, फिर उसके ऊपर एक सैंड का लेयर, फिर प्लांटिंग। ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट था। उनके कॉन्सेप्ट में कोई डिजाइन या स्केपिंग या एक्वास्केपिंग कुछ नहीं था। सिर्फ प्लांटिंग था, जो छोटे प्लांट्स है सामने, मिडिल वाले और पीछे। और उनके टाइम में उतना ज्यादा प्लांट्स भी अवेलेबल नहीं था, जैसे आज के मोंटे कार्लो ग्लॉसो ये सब नहीं था, अवेलेबल ही नहीं था। ज्यादातर एकिनोडोरस स्पीशीज, क्रिप्टोकॉन स्पीशीज, अनुबियस वगैरह थोड़े थे, स्टेम प्लांट्स में बकोपा रोटाला, बट रेगुलर स्पीशीज, ठीक है, ये अवेलेबल था। तो ज्यादातर डायना वॉलस्टेड टैंक्स में, ठीक है, जो बैलेंस क्रिएट होता था वो फिश और प्लांट्स के बीच में होता था। और वो कैसे, हमने प्लांट्स डाला, प्लांट्स ग्रो किया, उसमें फिश उतना ही डाल सकते थे जितना वो बायोलॉजिकली हैंडल कर सकता था टैंक। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग था, नया फिश डालना है तो वो मरने का चांस था बिकॉज बायोलॉजिकल जो इंबैलेंस हो सकता था। उनके हिसाब से फिल्ट्रेशन सर्कुलेशन था, फिल्ट्रेशन नहीं था। उनका ये मानना भी था कि बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था डायना वॉलस्टेड मेथड। हॉबीस्ट जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मेथड करूं कि ये मेथड करूं, कौन सा मेथड करेक्ट है। डायना वॉलस्टेड मेथड लो टेक है, अमानो हाईटेक है, डायोरामा उससे भी हाईटेक है, नहीं, सब एक अंडरस्टैंडिंग है। अगेन मैं समझाता हूं, ये लो टेक हाईटेक के चक्कर में मत पड़ो, नुकसान आपको होगा। कॉन्सेप्ट्स को समझो, सिर्फ सुनना मत, किसी ने बोला नहीं तुम डायना वॉलस्टेड करो बेस्ट है तो उसके पीछे पड़ गए। समझो डायना वॉलस्टेड का मेथड क्या था, कब था भाई, 1970s में वो एक्सीलेंट मेथड था। दो मिनट के लिए सोचो, 1970s का कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉनिक हो कोई भी हो, आज यूज करते हैं क्या? हाँ, फर्नीचर यूज करते होंगे, वुडन का है खराब नहीं होता, बिल्डिंग्स होंगे 1970s वाले कॉन्क्रीट का है खराब नहीं होता, लेकिन फोन टेक्नोलॉजी वो सब यूज नहीं करते बाबा, ऑब्सोलीट पुराने। अगर मैं आपको 1970s वाला रिंग रिंग फोन दूं तो आप पकड़ के घूमोगे, मेरे सर पे फेंकोगे, आप बोलोगे बस मोबाइल स्मार्टफोन, ऐसा ही टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, अंडरस्टैंडिंग्स चेंज हुए, साइंटिफिक नया डिस्कवरीज हुए, और तब जाके अमानो साहब का इंट्रोडक्शन हुआ। अमानो साहब ने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि प्लांट्स को CO2 का जरूरत है, सॉइल में
और फिल्टर में बायोलॉजिकल मीडिया होना जरूरी है, लाइट्स बहुत अच्छा होना जरूरी है प्लांट्स के हिसाब से, सिर्फ केल्विन रेटिंग नहीं, ठीक है, उसका ल्यूमिन्स भी इंपॉर्टेंट है। डायना वॉलस्टेड ने बोला कि व्हाइट कलर लाइट होना चाहिए, अमानो ने भी बोला व्हाइट कलर लाइट होना चाहिए। आज के डेट में हम लोग देखते हैं कई लोग डायना वॉलस्टेड मेथड बोल के व्हाइट, पिंक, ब्लू, ग्रीन सब कलर के लाइट, डिस्को लाइट होता है टैंक के ऊपर। वो एक अंडरस्टैंडिंग था वो टाइम में कि अगर हमने तीन चार लाइट डाले तो कलर्स इंप्रूव होगा, वो प्लांट के लिए नहीं आपके विजुअल के लिए है, ठीक है। तो अमानो साहब ने जापानीज जेन आइडियाज यूज करके ज्यादातर नेचर एक्वेरियम्स बनाने का एक स्टाइल डेवलप किया। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने ये डेवलप किया कि स्टाइल की सब फॉलो करेंगे, नहीं, अपने खुशी के लिए उन्होंने डेवलप किया एक स्टाइल, वो आज हम तकाशी अमानो स्टाइल, नेचर एक्वेरियम स्टाइल, इवागुमी स्टाइल, रोइबोकू स्टाइल करके कई नामों से बोलते हैं। अमानो साहब का इवागुमी स्टाइल क्या है? अमानो साहब ने इवागुमी इन्वेंट नहीं किया, इवागुमी जापानीज ने इन्वेंट किया, जेन गार्डन्स। जापानीज गार्डन्स में जो प्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स और स्टोन होता है वो इवागुमी होता है। और प्लेसमेंट ऑफ वुड होता है वो रोइबोकू होता है। तो उन्होंने वो जापानीज कॉन्सेप्ट्स एक्वेरियम में इन्वॉल्व किया, उसका स्टडी किया, उसको समझा, जाना और उसको अप्लाई किया ताकि एक्वेरियम्स ज्यादातर एक नेचुरल सेटिंग या लैंडस्केप जैसा दिखे। अमानो साहब का यह भी मानना था कि एक एक्वास्केप अंडर वाटर जो लैंडस्केप है, पानी के अंदर जो लैंडस्केप है वैसा होना चाहिए, वो लुक एंड फील अंडर वाटर होना चाहिए, ऊपर के गार्डन टाइप, डेजर्ट टाइप। उन्होंने, उनका यह मानना था कि वो ठीक नहीं है, ठीक है। अभी ये बहुत जो सीनियर प्रोफेशनल हॉबीज है ये कश्मकश उनका रहता ही है, ये स्टाइल करेक्ट है कि ये स्टाइल करेक्ट है कि ये स्टाइल करेक्ट है, मेरा स्टाइल करेक्ट है कि उसका स्टाइल करेक्ट है। सोचो, कुछ लोग बोलते हैं कि डायना वॉलस्टेड मेथड बेस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि तकाशी अमानो मेथड स्केपिंग का वो बेस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब एक्वास्केपिंग ये सब बकवास है, ठीक है, नेचर में ऐसा कहां से ऐसा होता है, जो उगता है उगता है तो वो मानते ही नहीं है। ये सब लोग करेक्ट है, इनमें से गलत कोई नहीं, गलत आप भी नहीं हो, ठीक है। तकाशी अमानो स्टाइल के ऊपर और रिसर्च करके नया स्टाइल इन्वेंट हुआ जो रीसेंट है, वो है डायोरामा स्टाइल। जो एक स्पेसिफिक पिक्चर को इमिटेट करना, मेरे पास एक फोटो है उसको हूबहू मैं इमिटेट करूंगा। एलसी कम कम यार, कम ऑन एलसी।
We have the video live. Come on and see. We won't make you dance. Don't ask me to dance. Yeah, no, we won't make you dance. Dance. So, this is, guys, this is LC Chan. He is the distributor of ADA in Malaysia. Okay. And of course, you just spoke with Josh Sim, the Josh Sim, and world number one aquascaper. Okay, he's with us here in Bangalore. And we're doing this short interview for the benefit of me. Okay. So, LC, this is your second time in India. Yes, this is my second time. First time we had a ball, we went around all over town. We don't have people. This is keeping your secrets, is my secret. Okay, so I'm still going to ask you, how's it changed? It's been what, 5-6 years since you came back to India? I see a lot of improvement in terms of the traffic, everything. Too much traffic right now. Yeah, and then also the car is getting Oh, okay, yeah, of course, more better cars. Yeah. People are become more handsome and beautiful. Like me? Yes, yeah, of course. Okay. I love to come there again. Yes. So, Josh, I know I asked you this question in the show, but I'm still going to ask you for the benefit of the public. What was the inspiration behind Kong? I love the story. Please, for the benefit of everyone. So that, you know, basically I want everyone to realize that even the simplest thing can be a large inspiration and you can be the best in the world with such a simple thing. I should come closer so Josh can. Well, I think I've said it already, but I would, since you asked, I would repeat it again. I mean, the inspiration comes from a movie. My son loved the movie Tarzan, so I watched the movie with him for 1 month, non-stop, every day. So, and the Congo, the movie, the Tarzan is about the forest in Congo. Yeah, so you have a lot of trees, a lot of vines. So these are the image that I remember. Yeah, so from this movie, and from this watching the movie over and over, it gives me this kind of inspiration to create a forest using that kind of Congo theme as my main inspiration. Okay, the reason I've asked you this again, like Tarzan's one of my best movies also. And like I said, I know where that image actually came from. We can actually have that discussion some other time. Now, I'm going to cut short this so that we have the next set of the events that will happen. I'm right now extending you a special invitation to come back to India. We were so impressed with the show. We're going to make you nervous again. Maybe not in Bangalore, but another city. Okay. And you can't say no to me. You have to say yes. Okay. In public. Okay. Okay. So we will work this out and you will come back to India and do this for us again. Sure. Yeah. Okay. Yeah. So thank you people for watching and this was awesome. This was awesome. Josh Sim here. Josh Sim guys. The world's number one aquascaper. Alright. Thank you. Namaste. दूसरा पॉइंट डायोरामा में ज्यादातर बड़े स्टोन्स बड़े वुड सामने होंगे और छोटे पीछे होंगे ये डेप्थ देने के लिए ताकि वो दूर तक मतलब दिखे बड़ा पाथ क्रिएट करना और दूर तक हाँ वो ब्यूटीफुल है वाह पता नहीं चलता है कि वो 1.5 feet टैंक है कि 2 feet टैंक है जब हम सामने से देखेंगे लगता है 3-4 feet लंबा है वो इल्यूजन है क्रिएशन ऑफ एन इल्यूजन वो डायोरामा स्टाइल में आता है डायोरामा स्टाइल में भी ना कॉन्सेप्ट्स जो अमानो साहब ने डाले थे बायोफिल्टर लाइट फिल्ट्रेशन सॉइल ये सब अभी भी अमानो साहब के ही कॉन्सेप्ट है सिर्फ डिजाइनिंग चेंज हुआ है तो एक था डायना वॉलस्टेड का मेथड ऑफ हाउ टू ग्रो अ प्लांटेड एक्वेरियम का इकोलॉजी करके उनका बुक भी है फिर आया अमानो साहब का टू पार्ट एक अंदरूनी सुंदरता दूसरा द एक्चुअल बायोलॉजिकल सिस्टम जो प्लांटेड एक्वेरियम को संभालता है और डायोरामा में
अमानो साहब के कॉन्सेप्ट प्लांटेड एक्वेरियम जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम होता है वो, लेकिन डिजाइनिंग जो है वो नया था। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है तीनों कॉन्सेप्ट में। अभी मेरा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, मैं ये कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली लेता हूं, ठीक है, और मैं ये कॉन्सेप्ट को अपने मन में मैं जनता कॉन्सेप्ट समझता हूं, ठीक है, पब्लिक कॉन्सेप्ट, ओके, इट्स हाउ टू एक्सप्लेन इट, मतलब एक एक्वेरियम में मैं जब एक्वेरियम बनाता हूं, आपने काफी सारे मेरे एक्वेरियम्स देखे हैं, मैं तकाशी अमानो साहब का स्टाइल यूज करता हूं, और कभी कभी एक डायरोमा स्टाइल भी यूज करता हूं, ज्यादातर मैं तकाशी अमानो को फॉलो करता हूं, लेकिन जब प्लांट सिलेक्शन का बात आता है मैं थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक हूं, ज्यादा कलर्स चाहिए मेरे को, ठीक है, आई मेरे को 5-6-8 कलर की जरूरत है, वो मेरा एक फीलिंग है, वो मेरे को खुशी देता है, मुझे वो एक्वेरियम में हैप्पीनेस वो कलर्स में मिलता है। आप मेरे कोई भी टैंक ले लो, कलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही टैंक में 8-9 वेराइटी के प्लांट्स होंगे और मिक्स एंड मैच ऑफ कलर्स होगा। ये कॉन्सेप्ट ना मैं समझता हूं अमानो साहब का जो लास्ट टैंक था जो लिस्बन एक्वेरियम में है, सबसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लांटेड एक्वेरियम, उसमें भी उन्होंने काफी सारा कलर्स यूज किया, उसको बहुत कलरफुल बनाया, बहुत अट्रैक्टिव बनाया, इसलिए मैं बोलता हूं पब्लिक या जनता कॉन्सेप्ट। वो जहां पे प्लांटेड एक्वेरियम उठ के बाहर आए, सुंदर दिखे, जब कोई उसे देखे तो स्टनिंग हो। ये एक अंडरस्टैंडिंग है ओवर मेनी इयर्स, बिकॉज अगर हमने पूरा ग्रीन बनाया ना, वो एक ट्रू हॉबीइस्ट या एक नेचुरलिस्ट वो समझेगा। लेकिन पब्लिक को कलर पसंद है कि नहीं, कलर बहुत पसंद है, तामझाम, लाइटिंग थोड़ा चाहिए, तब मजा आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स में मत पढ़ो, सीखो, समझो कि भाई ये कब हुआ था। 1970 का कॉन्सेप्ट 2020 में आप ज्यादा समझदार हो गए, ठीक है, बहुत समय बीत गया, 40 साल के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, ये सब समझ के अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाओ ना, कौन बोलता है कि वो गलत है,
भाई आप अपने हिसाब से एक्वेरियम बनाओ। ओके, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक्वेरियम है किधर? आपके घर में। वो एक्वेरियम को सुबह शाम देखने वाला कौन है? आप, आपका फैमिली। तो आपने कॉन्सेप्ट बनाया किसी और का, आपको और आपको फैमिली को मजा नहीं आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट का फायदा क्या हुआ? भाई जितने भी मेरे ये गैलरी में कॉन्सेप्ट्स है, मैंने एक्वेरियम बनाया, एक्वास्केपिंग बनाया, मुझे पसंद है, संदीप को पसंद है, पूजा कंचन को पसंद है, क्योंकि मैं पूछता हूं उनको, बिकॉज वो है जो इनको मेंटेन करते हैं, रोज देखते हैं। अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो बना के फायदा क्या, या मुझे अच्छा नहीं लगा तो क्या फायदा हुआ? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो यहां पे आते हैं आप जैसे हॉबीस्ट, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मतलब क्या है? तो मैं बनाता हूं पब्लिक चॉइस, जनता कॉन्सेप्ट, ठीक है? आप अपने हिसाब से बनाओ। ये सब कॉन्सेप्ट्स एवोल्यूशन है, समय से, पीढ़ियों से डेवलपमेंट होता आया है, इंप्रूवमेंट होते आया है। आप भी वो इंप्रूवमेंट के साथ चलो, पीछे मत जाओ। आप पीछे जाओगे तो पीछे ही रह जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, ठीक है? आपका एक्वेरियम है ना, अच्छा बनाना है तो समय के साथ आगे बढ़ो, नया नया कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करो, नया नया आइडियाज लगाओ। एक और एक्वास्केपर है, उसको वो कार्टून कैरेक्टर्स डालने का बहुत शौक है। भाई सब ठीक है यार, उसमें एक और दोस्त है, उसको बुद्धा बिठाने का बहुत शौक है। उसका मर्जी है, उसका आइडिया है। तो ये जो वीडियो है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूं, उससे ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्या है उस पे ज्यादा फोकस है। हां, लाइटिंग अच्छा, सॉइल वेरी गुड, गुड पावर साइन, बैक्टीरिया, फिल्टर में बायोमीडिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होना टेक्निकली करेक्ट है। प्लांट्स को कुदरती ये सब चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन कॉन्सेप्ट में है, डिजाइन में है, लुक एंड फील में है, प्रेजेंटेशन में है। इसको हम हार्डस्केप या एक्वास्केप बोलते हैं, ठीक है? तो अगला वीडियो होगा हार्डस्केप कैसे बनाए बिगिनर्स के लिए, मिस मत करना, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है। ओके, तो हमेशा की तरह आज भी आशा करता हूं कि आपने ये बात समझी, जानी, और उसको आप अपने हिसाब से अप्लाई करोगे, ठीक है? तो मेरे तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। कॉन्सेप्ट आपका है, एक्वेरियम आपका, तो डिजाइन आपका। सिंपल टिप देता हूं अगले वीडियो से, जो भी कॉन्सेप्ट आप बनाने वाले हो उसका होमवर्क रिसर्च पहले करो, ड्राइंग बनाओ, फोटो निकालो, जो भी करना है पहले कर लो, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट डेवलप सुंदर होगा। ओके, बाय।